सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार साथियों, मैं संदीप आप सभी का अपने चैनल एग्जाम मंथन 24/7 पर स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। हम जो इस टाइम वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चला रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उसमें हम पढ़ रहे हैं विश्व की कुछ प्रमुख नदियाँ, और उसमें हमने नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट और साउथ अमेरिका कंटिनेंट की नदियों के बारे में जान लिया है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है यूरोप की नदियों के बारे में जानने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो आप इस वीडियो को करोगे तो आप इस वीडियो को करने के साथ साथ अपने पास एटलस लेकर बैठें। अगर आप एटलस लेकर बैठोगे तो चीज़ों को आप आसानी से समझ पाओगे, ना कि रटने के बजाय। अगर आप रटोगे तो चीज़ों को जल्दी भूल जाओगे, और एटलस से पढ़ोगे, बाय मैप पढ़ोगे हर चीज़ को, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी और यूज़फुल भी होगी। लाल पीली किताबों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रटने से कुछ नहीं होगा, आपको एटलस से पढ़ना है और मैप से पढ़ना। सीधी सीधी बात है, मैप से पढ़ना है, चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी। और सबसे बड़ी बात, कुछ स्टूडेंट्स कमेंट में बोलते हैं कि सर नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। अब एक बात बताइए, आप यदि क्लास कर रहे हैं तो नोट्स आप खुद भी तो बना सकते हैं इस चीज़ के। यदि आप इसके नोट्स खुद बनाओगे तो आपको चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे। आप नोट्स तो किसी से भी मांग सकते हो, आप 10 स्टूडेंट्स के नोट्स इकट्ठे कर लो तो आपको इससे कोई फ़ायदा थोड़ी है। यदि आप जब तक पढ़ोगे नहीं, और पढ़ोगे कब? अच्छा, जब अपने हाथ से याद करके लिखोगे, तो वो चीज़ें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। नोट्स तो वैसे भी आपको मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि यदि नोट्स जो मांगते हैं स्टूडेंट्स, वो एक तरीके से अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आप उनसे पढ़ तो सकते हैं, रट सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आप अपने हाथ से लिखकर नोट्स बनाओगे वो चीज़ें ज़्यादा यूज़फुल हैं उन नोट्स के मुकाबले। तो बस आपको ये बात हो सकता है बुरी लगे, लेकिन सच्चाई यही है, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अच्छी रैंक लानी है, तो आपको नोट्स अपने हिसाब से बनाने होंगे, जो चीज़ आपने पढ़ी है उसके हिसाब से। बाकी नोट्स को आप रटने से कुछ नहीं होगा, और लाल पीली किताबें इनको रटने से भी कुछ नहीं होगा। यदि मैं आपसे कहूँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ है, यदि आपने रटी है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, तो आप रटकर दो दिन में हो सकता है भूल भी जाएं। यदि आपने मैप से पढ़ी है तो आप सीधा बता दोगे कि यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जो अलग करती है संधि, वही स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। यदि आपने मैप से ये चीज़ पढ़ी है तो आप इस चीज़ को बहुत ही आसानी से बता सकते हो। यदि आप इसका रिवीजन भी नहीं करते हो तो ये चीज़ आपको फिर भी याद रहती है। लेकिन आपको हर चीज़ करना क्या है, मैप से पढ़नी है। मैप से पढ़ोगे तो ईजिली इन चीज़ों को कर पाओगे। ये चीज़ें स्टेट्स वगैरह मैंने सब चीज़ें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की करा दी हैं, वो मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखी हैं, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो, ठीक है। चलो, बातें बहुत हो गई, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोप की प्रमुख नदियाँ। आप सभी को पता है ये यूरोप कंटिनेंट है। देखिए, थोड़ा सा आपको ऊपर ऊपर से थोड़ी नॉलेज दे दूँ यहाँ से। ये यूरोप कंटिनेंट आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे यूराल माउंटेन्स, यूराल पर्वत श्रेणी है यहाँ पर। इससे वेस्ट वाला जो इतना ही पार्ट है ऊपर का, ये यूरोप है। जो इधर से इधर का भाग, यानी यूराल माउंटेन से पश्चिम का भाग जो है, वो भी रूस का जो पार्ट है वो यूरोप के अंदर आता है, और यूराल माउंटेन से ईस्ट वाला रूस का पार्ट वो एशिया में आता है। तो यूरोप का कुछ पार्ट, रूस का कुछ पार्ट यूरोप में भी है और कुछ पार्ट आपका एशिया में भी है। तो ये हो गया आपका यूरोप कंटिनेंट। अब इसके नीचे यहाँ देख रहे हैं आप, ये है अफ्रीकन कंटिनेंट, जो कि यहाँ स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से अलग होता है। ये भूमध्य सागर है, यही भूमध्य सागर का एक पार्ट एड्रियाटिक सी यानी एड्रियाटिक सागर है। ये ब्लैक सी यानी काला सागर है। ये कैस्पियन सागर यानी कैस्पियन सी है, जो विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है, और वैसे भी विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। इधर इसके वेस्ट में, यूरोप के और अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है। यहाँ पर साउथ अटलांटिक ओशियन, यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये नॉर्थ सी, ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है, आपको पता है ये ब्रिटेन आयरलैंड। तो यहाँ पर इसके ईस्ट में, ब्रिटेन के ईस्ट में आपका क्या है, नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर, ये आपका बाल्टिक सागर है। और यहाँ पर कुछ खाड़ियाँ हैं जो मैंने खाड़ियों वाले चैप्टर में आपको करा दिया है, ठीक है। तो ये तो होगी थोड़ी ऊपर ऊपर से इनकी जानकारी। अब जो चीज़ हमें करनी है आज की, वो पढ़नी है हमें यूरोप की नदियाँ। तो यूरोप की नदियों में सबसे पहले हम उठाते हैं, यहाँ से जर्मनी की तरफ चलते हैं। आपको ये दो माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये माउंटेन रेंज है और एक ये माउंटेन रेंज है। नीचे वाली माउंटेन रेंज आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट, यानी इसका नाम क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट। यहाँ लिख देता हूँ इसका नाम, जैसे वहाँ साफ नहीं दिखाई दे रहा। और इसके ऊपर जो है वो है वोस्जेस, ये वोस्जेस पर्वत श्रेणी और ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी। तो यहाँ से एक नदी निकलती है जैसा आप देख पा रहे हैं, और ये
देखिए यहाँ पर दो तरह का ढाल है आपका, यूरोप का यहाँ से इधर का ढाल जो है वो नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर की तरफ है, और इधर के यूरोप वाले पार्ट का जो ढाल है वो ब्लैक सी या फिर भूमध्य सागर की तरफ ढाल है। तो ढाल आपका दो तरह से है इस तरफ। अब यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है राइन, मैं इसका नाम लिख देता हूँ आपको, राइन नदी। राइन नदी जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और यहाँ से बहती हुई और यहाँ नीदरलैंड के पास जाकर इस नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। और राइन नदी के तट पर यहाँ नीदरलैंड में एक स्थान है जिसका नाम है रोटरड्रम, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। क्या नाम है इसका? रोटरड्रम, रोटरड्रम। रोटरडम में एक बंदरगाह है जो कि इस पूरे यूरोप का, रोटरडम बंदरगाह पूरे यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। राइन नदी के तट पर रोटरडम एक बंदरगाह है जो कि पूरे यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह और सबसे व्यस्त बंदरगाह है, जिसके द्वारा आप सभी जानते हैं बंदरगाह से काम क्या होता है, सामान का आयात या निर्यात होता है। जो भी देश में चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं किसी भी देश में, वो वहाँ से कहाँ पहुँचाई जाती है? बंदरगाहों तक, और बंदरगाहों के द्वारा समुद्री मार्गों से दूसरे देश या दूसरे कंटिनेंट्स तक चीज़ें पहुँचाई जाती हैं। और या यदि इन देशों में किसी चीज़ की डिमांड है दूसरे देश से मंगानी हो तो वो भी जलीय मार्ग से आती हैं और इसी बंदरगाह पर इन्हें लाकर उतारा जाता है और फिर पूरे देश में सप्लाई किया जाता है। तो इसी क्रम में जो रोटरडम बंदरगाह है, ये राइन नदी है, राइन नदी के अंदर यहाँ पर सामान आने के बाद तो राइन नदी के द्वारा ही जहाज़ों द्वारा ये सामान अंदर की तरफ पहुँचाया जाता है। तो राइन नदी के अंदर हम जलयान भी चला सकते हैं। तो ये यूरोप का, राइन नदी का जो मार्ग है यूरोप का सबसे बड़ा आंतरिक जल मार्ग है। राइन नदी का मार्ग यूरोप का सबसे बड़ा आंतरिक जलीय मार्ग है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, यूरोप का सबसे बड़ा आंतरिक जल मार्ग कौन सी नदी का है? वो है राइन नदी। राइन नदी को इस तरह से मतलब विकसित किया गया है कि उसमें आप यहाँ पर शिप को चला सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे भारत में गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग है तो वहाँ पर भी हम हुगली से और इलाहाबाद, हल्दिया से इलाहाबाद तक हम जहाज़ चलाकर वहाँ पर सामान का इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से राइन नदी का आंतरिक जलमार्ग जो है वो पूरे यूरोप का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हुई। अब राइन नदी के आसपास, राइन नदी के आसपास कोयला का क्षेत्र पाया जाता है, इसी वजह से इस राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। यहाँ कोयला सबसे अधिक पाया जाता है यूरोप में, कोयला यहाँ पर सबसे अधिक पाया जाता है, इसी कारण इस राइन नदी को कोयला नदी कहते हैं। और इसके आसपास के क्षेत्रों में जो कोयला पाया जाता है, इस स्थान को, इस रूर प्रदेश को हम क्या बोलते हैं? काला प्रदेश। ठीक है, दो चीज आपको याद रखनी है, कोयला नदी कौन सी है? राइन नदी। और काला प्रदेश किसे बोलते हैं? राइन नदी की घाटी को ही। राइन नदी की घाटी में ही आपको कोयले के भंडार मिलते हैं, तो कोयले के जो भंडार हैं उसके कारण इस प्रदेश को, इस पूरे प्रदेश को क्या बोलते हैं? कोयला प्रदेश यानी काला प्रदेश। अब ये होगी आपकी राइन नदी, कहाँ पर जल गिराती है? नॉर्थ सी में। अब चलते हैं, एक नदी ब्लैक फॉरेस्ट से ही दूसरी नदी निकलती है जो नीचे की तरफ जाती है और कहाँ जाकर अपना जल गिराती है? वो है ब्लैक सी यानी काला सागर में अपना जल गिराती है। उस नदी का नाम है डेन्यूब। डेन्यूब नदी यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर इस काला सागर में अपना जल गिराती है। और ये डेन्यूब नदी कुछ पांच ऐसी बड़ी सिटीज़ से होकर गुजरती है जो कुछ देशों की राजधानी भी हैं, चार इनमें से कुछ देश की राजधानी है जिनका मैं नाम यहाँ लिखा हुआ है। बूडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, सर्बिया की बेलग्रेड, स्लोवाकिया की ब्रिटिसाल्विया, ब्राटिस्लावा इसका नाम है, ब्राटिस्लावा किसकी राजधानी? स्लोवाकिया की। और लिंज जो है वो एक सिटी है, वो भी ऑस्ट्रिया की सिटी है। तो ये राइन नदी कुछ इन प्रदेश से, इन देशों से होकर बहती है जो कि इस पर बहुत ही बड़े बड़े शहर जैसे हंगरी की राजधानी बूडापेस्ट, ऑस्ट्रिया की वियना, सर्बिया की बेलग्रेड, स्लोवाकिया की ब्राटिस्लावा और ऑस्ट्रिया का एक शहर लिंज इसी पर स्थित हैं। तो आपको ये पांचों शहर याद रखने हैं, इस नदी पर ये पांचों शहर स्थित हैं। और ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है और लगभग 7 से 8 देशों में बहती हुई है,
कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन ये कुछ 7 या 8 देशों से बहती हुई इस काला सागर में जाकर अपना जल गिराती है। इस नदी का नाम क्या है? डेन्यूब नदी। अब जर्मनी में 2 नदी और हैं, एल्ब और ऑडर। एल्ब नदी जो है वो अपना जल यहाँ ब्लैक सी में गिराती है, और ये ऑडर नदी यहाँ पर अपना बाल्टिक सागर में जल गिराती है। ठीक है, ये नॉर्थ सी में अपना जल गिराती है, ये ऑर्डर नदी जो है ये बाल्टिक सागर में, आप सभी को पता है ये बाल्टिक सागर है और यहाँ पर ये अपना जल गिराती है। तो ये तो हो गई जर्मनी की नदी। अब एक नदी और है यहाँ पर, एक देश है फ्रांस। आप सभी जानते होंगे फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस। तो फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है वो यहाँ पर एक नदी है सीन। फ्रांस की राजधानी पेरिस इस सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की राजधानी सीन नदी के तट पर स्थित है। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि पेरिस जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सीन नदी। आपको बहुत से एग्जांपल देता है सीन, और यहाँ पर दे दिया आपको जो हमने नदी बताई थी राइन, डेन्यूब, कुछ भी दे सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? सीन नदी। ठीक है, अब एक शहर है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। तो बर्लिन, अगर आपसे पूछे बर्लिन किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको आंसर राइन नदी नहीं लगाना है, क्योंकि हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स राइन नदी लगा दें, क्योंकि ये जर्मनी की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो राइन नदी इसका आंसर नहीं होगा, इसका नाम आंसर होगा स्प्री नदी। तो आपको याद रखना है स्प्री रिवर। तो बर्लिन जो है स्प्री के किनारे पर स्थित है। अब थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये है इटली। इटली में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसे बोलते हैं आप आल्प्स। नाम तो आपने सुना ही होगा आल्प्स, आल्प्स पर्वत श्रृंखला, आल्प्स माउंटेन्स। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और पूरे यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट ब्लैंक। तो यहाँ आल्प्स पर्वत से एक नदी निकलती है, पो नदी। पो यहाँ से निकलती है और इस सागर में, जिसका नाम है एड्रियाटिक सागर, जो मैंने आपको सागर वाली वीडियो में बताया है। जिन्होंने मेरी वो वीडियो, इससे पहली वाली जितनी वीडियो है मेरी, जिन्होंने वो देखी है, तो आपको वो चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी जो मैं इन्हें बता रहा हूँ। जैसे जितने भी सागर हैं मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैंने इससे पहली वीडियो में डिटेल से समझा दी है। तो पो नदी जो है वो आल्प्स पर्वत से निकलती है और अपना जल गिराती है एड्रियाटिक सागर, जैसा आप यहां लिख रहा हूं एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर भूमध्य सागर का ही एक पार्ट है। ये पूरा जो सागर है नीचे आपको दिख रहा है, ये पूरा सागर जो है ये भूमध्य सागर है और उसी का एक पार्ट है ये एड्रियाटिक सागर। और यहां पर ये पो नदी एक मैदान का निर्माण करती है जिसका नाम है लोम्बार्डी का मैदान। आप यहां देख लीजिए लोम्बार्डी का मैदान, जिसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं लोम्बार्डी बोलेंगे, लेकिन स्पेलिंग आपकी ये प्लेन ऑफ लोम्बार्डी। लोम्बार्डी के मैदान का निर्माण करती है। आप सभी जानते हैं नदियां मैदानों का निर्माण करती है, जब पर्वतों से वो बहकर आती हैं तो अपने साथ अवसादें लेकर आती हैं, अवसाद लाकर वो अपने आसपास के क्षेत्रों में बिखेर देती हैं, तो वहां पर मैदानों का निर्माण हो जाता है। तो उसी से जो निर्माण हुआ है वो है लोम्बार्डी का मैदान। और लोम्बार्डी का मैदान इस पूरे यूरोप का, ध्यान से सुनिए, लोम्बार्डी का मैदान इस पूरे यूरोप का धान उत्पादन करने का सबसे बड़ा मैदान है। यानी यहाँ पर लोम्बार्डी के मैदान में पूरे यूरोप का सबसे अधिक धान उत्पन्न होता है। ठीक है, तो धान उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? वो है लोम्बार्डी का मैदान। और वो किस नदी का मैदान है? वो है पो। इटली में पो नदी है, उसका मैदान है, और पो को ही इटली की गंगा कहते हैं। ठीक है, पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये तो हो गई हमारी पो नदी, जो अपना जल कहाँ गिराती है? एड्रियाटिक सागर में। अब यहां पर इटली का एक शहर है रोम। रोम क्या है? इटली की राजधानी। और रोम जो है किस नदी के तट पर स्थित है? वो है टाइबर नदी। रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है, लेकिन ये तटीय सिटी नहीं है, यानी कि ये यहाँ पर समुद्र के किनारे नहीं है, यानी सागर के किनारे नहीं है, थोड़ा सा अंदर है, लेकिन है किस नदी के तट पर? वो है टाइबर नदी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि रोम किस नदी के तट पर है? टाइबर। सीन के नदी पर, सीन नदी के तट पर पेरिस। बर्लिन स्प्री नदी किनारे। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, सीधे सीधे आपसे पेपर में पूछ लेगा। अब चलते हैं थोड़ा ईस्ट की तरफ, यानी पूर्व की तरफ। आपने
यहाँ पढ़ा, काला सागर जो है ब्लैक सी में आपकी डेन्यूब नदी आकर गिरती है। पांचों सिटीज़ मैंने आपको बता दी वहाँ लिखी हुई हैं। अब एक और नदी है डॉन, डॉन नदी जो है ये रूस की नदी है और ये यहाँ से निकलकर काला सागर में अपना जल गिराती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि डॉन नदी रूस की है और ये किस सागर में अपना जल गिराती है, वो है काला सागर। अब चलते हैं कैस्पियन सागर की तरफ। कैस्पियन सागर में कौन कौन सी नदियाँ जल गिराती हैं, तो देखिए दो नदियाँ हैं, एक तो यूराल, एक यूराल नदी है, एक वोल्गा नदी है। यूराल नदी और वोल्गा नदी, यूराल नदी कहाँ से निकलती है, यूराल नदी यूराल माउंटेन्स से निकलती है और यूराल माउंटेन क्या काम करता है, यूरोप और एशिया के बीच बाउंड्री बनाने का काम करता है। यानी ये यूराल माउंटेन जो है इससे ईस्ट वाला पार्ट आपका, ईस्ट वाला पार्ट एशिया और इसका वेस्ट वाला पार्ट सारा का सारा क्या है आपका यूरोप। तो यूराल माउंटेन यहाँ पर एशिया और यूरोप की बाउंड्री बनाने का काम करता है और इसी यूराल माउंटेन से एक नदी निकलती है यूराल नदी, जो यहाँ से बहकर कैस्पियन सागर में आकर अपना जल गिराती है। ये तो हो गई एक बात। अब चलते हैं हम वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो है ये भी रूस से ही निकलती है और इसकी लंबाई 3521 किलोमीटर है, यानी 3521 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इतनी लंबाई के साथ ये पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी है। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन तैयार हुआ कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब वो है वोल्गा नदी और इसकी लंबाई कितनी है, 3521 किलोमीटर या फिर 3521 किलोमीटर। और यूरोप की सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ भी ये पूरे यूरोप की सबसे बड़े जलग्रहण क्षेत्र वाली भी नदी है। यानी ये जिसकी जलग्रहण क्षेत्र से मतलब क्या है, ये कितने अधिक एरिया का यानी कितने बड़े क्षेत्र का जल अपने साथ लेकर चलती है, यानी इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कितने क्षेत्रों से आकर इससे मिलती हैं। तो जैसे मान लो कोई नदी यहाँ से आकर मिलती है, कोई नदी यहाँ से आकर मिलती है, कोई यहाँ से आकर मिलती है, यहाँ से आकर, तो इसका जलग्रहण क्षेत्र इतना बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसका जलग्रहण क्षेत्र जो है यूरोप का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है और इसकी ट्रिब्यूटरीज लगभग 200 से अधिक हैं। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो 200 से अधिक हैं, जिनकी संख्या 200 से अधिक है। इसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है, ये भी आपको पता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब आप है ये कहाँ गिरती है, अगर ये कैस्पियन सागर में गिरती है। ये सभी मीठे पानी की नदियाँ होती हैं, आप सभी जानते हैं बर्फ़ पिघलती है तभी इन नदियों का निर्माण होता है। तो जब कैस्पियन सागर जो आप सभी जानते हैं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा खारे पानी का सबसे बड़ा सागर, खारे पानी का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, कैस्पियन सागर। सबसे ज़्यादा खारा पानी नहीं है इसका, लेकिन खारे पानी का सबसे बड़ा सागर है, सागर नहीं आप झील बोल सकते हैं, क्योंकि ये लैंडलॉक्ड है। किसी चीज़ को सागर होने के लिए, किसी भी वाटर बॉडी को सी यानी सागर होने के लिए क्या होना है, एक बड़ी वाटर बॉडी से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे ब्लैक सी है, ये यहाँ पर बॉस्पोरस स्ट्रेट द्वारा भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है और भूमध्य सागर यहाँ पर अटलांटिक सागर से जुड़ा हुआ है, तो ये एक बड़े वाटर बॉडी से कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर जो ये सी है इसे हम सागर बोलते तो हैं लेकिन एक्चुअल में ये सागर है नहीं, ये एक झील ही है जो कि लैंडलॉक्ड है। ठीक है, तो ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका ऊपरी पार्ट यानी उत्तरी पार्ट जो है इसकी जो खारापन है इसका खारापन कम है नीचे के खारेपन की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मीठे नदियाँ अपना जल गिराती हैं, तो यहाँ पर जो नदियाँ आएंगी वो मीठे पानी की नदियाँ हैं, तो यहाँ पर खारापन इस नीचे वाले मुकाबले की अपेक्षा यानी दक्षिणी भाग की अपेक्षा इसका खारापन कम होगा। तो आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए, पेपर में इस चीज़ को नहीं पूछेगा लेकिन आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की, ये कंसेप्चुअली चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा रिवीजन जो मैंने अभी तक पूरी वीडियो में पढ़ाया। देखिए सबसे पहले जो आपकी नदी थी वो थी राइन नदी, कहाँ से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से, और कहाँ अपना जल गिराती है, नॉर्थ सी में उत्तरी सागर में। इस पर ही एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है रोटरडम। रोटरडम कहाँ पर है, नीदरलैंड में। नीदरलैंड में ये बंदरगाह है और ये यूरोप का सबसे व्यस्त या फिर सबसे बड़ा बंदरगाह है। एक पॉइंट, इस राइन नदी के ही घाटी को हम क्या बोलते हैं, कोयला क्षेत्र यानी काला प्रदेश, और राइन नदी को हम बोलते हैं कोयला नदी। क्यों? क्योंकि इसके जो घाटियां हैं इन घाटियों में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। ठीक है, ये तो होगी राइन नदी की बात। इसके बाद डेन्यूब नदी, ये भी ब्लैक फॉरेस्ट निकलती है और यहाँ पर काला सागर में अपना जल गिराती है और ये पांच सिटीज से, इस पर मेन पांच सिटी हैं जो चार देश की तो राजधानियाँ हैं इस पर, एक ऑस्ट्रिया का शहर है लिंज। तो कौन कौन सी राजधानियाँ हैं, वो हैं हंगरी की बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया की वियना, सर्बिया की बेलग्रेड, स्लोवाकिया की ब्राटिस्लावा और ऑस्ट्रिया का एक शहर है लिंज, इन पर स्थित है। ठीक है, फिर आते हैं पो नदी पर। पो नदी जो है आल्प्स माउंटेन से निकलती है और लोम्बार्डी के मैदान का निर्माण करती हुई ये एड्रियाटिक सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, अब चलते हैं
थोड़ा नीचे की तरफ इटली में, ये है रोम। रोम जो है आपका टाइबर नदी के किनारे स्थित है, और ये थोड़ा सा कोस्टली ना होकर, कॉस्ट पर नहीं होकर ये थोड़ा अंदर की तरफ है, ठीक है। आल्प्स माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक। अब पेरिस सीन नदी के किनारे, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे, ये कुछ चीज़ें हो गई जो आपको पता होनी चाहिए। अब डॉन नदी रूस से ही निकलती है और आल्प्स पर्वत वहीं आकर, सॉरी ये यहाँ कर ब्लैक सी में आकर गिरती है। अब थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। मैंने आपको वोल्गा नदी बताई, वोल्गा नदी के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। सबसे बड़े जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है यूरोप की, और पूरे यूरोप की भी सबसे लंबी नदी है। दो चीज़, सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र भी इसका है और सबसे लंबी नदी भी ये यूरोप की है। लेकिन इसके किनारे एक शहर है जिसका नाम है वोल्गेग्राड। वोल्गेग्राड जो है यहाँ पर, इस रूस में यहाँ पर तेल के भंडार पाए जाते हैं, तो इसी कारण जो है यहाँ पर एक वोल्गेग्राड जो शहर है, यहाँ पर यूरोप की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी प्रेजेंट है। यानी पूरे यूरोप की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी अगर आपसे पूछे तो वो कहाँ है, वोल्गेग्राड, तो आपका आंसर वोल्गेग्राड होगा। और ये कहाँ जाकर अपना जल गिराती है, वो है आपका कैस्पियन सी, यानी कैस्पियन सागर। अब यूराल माउंटेन की तरफ चलते हैं। यूराल माउंटेन रूस, सॉरी एशिया और यूरोप को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी इनके बीच में बाउंड्री काम करता है। यूराल माउंटेन के वेस्ट का पार्ट यूरोप, ईस्ट का पार्ट आपका एशिया, और यहाँ से एक यूराल नदी निकलती है जो कि अपना जल जाकर कैस्पियन सागर में गिराती है। तो ये थी आज हमारी यूरोप की कुछ प्रमुख नदियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और बाकी आपको ये वीडियो किससे कंप्लीट करनी है, मैं आपके वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। आपको ये वीडियो एटलस से करनी है, बाय मैप करनी है, किसी भी बुक से इसको रटना नहीं है। किसी से नोट्स मांगोगे उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, अपने नोट्स खुद बनाओगे तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल करेंगे आपको। तो आपको क्या काम करना है, अपने नोट्स खुद बनाने हैं, ना कि किसी के नोट्स मांगने हैं। आपको नोट्स तो वैसे भी मिल जाते हैं हमारे चैनल से, लेकिन आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकें, चीज़ें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग महाद्वीप की नदियों के साथ। थैंक यू।